मैंने कुछ दिन पहले न्यू स्वॉर्ड सिस्टम पे एक वीडियो अपलोड करी थी। मुझे पता नहीं था उस टाइम तक स्वॉर्ड सिस्टम आया नहीं, तो मैंने बिगनर वाली चेस्ट ओपन करी, उसमें दो स्वॉर्ड मिले तो मैं खुश हो गया, मुझे लगा वही स्वॉर्ड अपडेट है। मगर अभी एक्चुअल स्वॉर्ड अपडेट आ चुका है और तुम देखोगे मैंने फाइट पास की सारी चेस्ट ओपन कर ली है। मगर मुझे इससे भी ज़्यादा दुख ये है कि मैंने जो अपना जो मेन गेम है ग्लोबल वाला अकाउंट, उसकी भी सारी स्वॉर्ड चेस्ट ओपन करके रखी है यार। सेट मुझसे गलती होगी यार, तुमने अगर ओपन नहीं करी ना भाई मत करो, बिल्कुल ओपन मत करो, बचा के रखो उसको। क्योंकि मैं तुम्हें इस बीटा में एक स्वॉर्ड चेस्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ और आज ऑफिशियली आ चुका है भाई स्वॉर्ड अपडेट, तो मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड चेस्ट ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम इसके स्टैट्स देखो, इसके अंदर कॉमन स्वॉर्ड मिलने के 47% चांस है, रेयर के 26, एपिक के 20 और लेजेंडरी के 7% है। भाई 7% बहुत होता है, इसका मतलब ये अगर तुमने 10 से 12 चेस्ट खोली तो तुम्हें एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मिलना तो पक्की बात है। अब वो एक मिलेगा ज़्यादा मिलेगा वो तो हम ओपन करके ही देखते हैं। यहाँ मैंने इसे परचेज किया, ये सबसे पहले तो फालतू के कार्ड्स मिले जा रहे हैं। सैंक का कार्ड मिला, अब ये फायर गार्ड का कार्ड मिला, अब ये गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि इस अकाउंट में सब कुछ है। फिर हेल्गा के कार्ड मिले, अरे भाई मंकी का कार्ड मिल गया। मंकी का मिलता नहीं अगर तुम अपना ग्लोबल अकाउंट देख रहे हो ना, मंकी बहुत लोगों के पास है ही नहीं अभी तक। सार्च के 2 मिले, फिर इसके बाद मिडनाइट के 3 कार्ड, भाई मिडनाइट के 3 कार्ड मिल गए और ये सब एक ही चेस्ट से मिल रहा है। ओ भाई, और अभी आयरन क्लैड के भी 4 बच्चे, भाई 4 मिल गए। इसका मतलब अगर मान लो मेरे पास एक भी कैरेक्टर नहीं होता इस अकाउंट में तो मुझे 4 कैरेक्टर मिल जाते। यही होता है ना, अगर तुम्हारे पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है और तुम्हें उस कैरेक्टर का कार्ड मिलता है तो इसका मतलब तुम्हें वो कैरेक्टर मिल जाता है। तुम बचा के रखो भाई अपनी सारी चेस्ट, अभी तो मजे होने वाले ग्लोबल के अंदर।